और ट्राइंगल्स ड्रॉ करना सीखी थी आज हमने एंगल्स को यूज़ करते हुए मोस्टली एंगल्स को यूज करते हुए हमने ट्राइंगल्स ड्रॉ करनी है सबसे पहले हम बात करेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल की एक्यूट एंगल ट्राइंगल हमने देखी थी ऐसे ट्राइंगल जिसके जो एंगल्स होते हैं वो नाइनटी से लेस देन होते हैं ऐसे ट्राइंगल को कहते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल सो एक्यूट एंगल आप किस तरह ड्रॉ करते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले डिसाइड कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल यूजिंग

और जहां पर थर्टी डिग्री आ रहा है वहां पर पॉइंट लगाकर एक लाइन लगा देंगे आफ्टर दैट पॉइंट वाई पर हम फिफ्टी डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे और जहां पर पॉइंट आ रहा है वहां पर उसको मार्क करके एक और लाइन लगा लेंगे स्टूडेंट्स जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट इंटरसे करेंगे उस पॉइंट को हम पॉइंट सी कह लेंगे और इस तरह आपके पास एक सिंपल सी एक्यूट एंगल ट्रायंगल ड्रा हो गई है अगर हम नेक्स्ट बात करें ऑप्टूस एंगल ट्रायंगल की तो ऑप्ट्यूस एंगल में आपके पास जो एंगल होता है वो 90 डिग्री से ग्रेटर होता है आपने इसमें क्या करना है एक एग्जांपल उन्होंने आपको दिया है कि PQ 7 सेंटीमीटर है आपके पास P पर 105 डिग्री का एंगल बन रहा है आपने क्या करना है 7 सेंटी P पर 105 डिग्री का एंगल ड्रॉ करके P पर अगेन 7 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है और जहां पर वो कट करेंगे वहां से R से उस पॉइंट से आपने Q तक लाइन ड्रा कर लेनी है इस तरह आपका और ट्यूस एंगल ट्राइंगल भी रेडी हो जाएगी नाउ कम टू द राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल आप किस तरह ड्रॉ करेंगे राइट right एंगल में आप, आपके पास जो एक एंगल है वो 90 डिग्री का होना चाहिए तो आप क्या करेंगे सबसे पहले फोर सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे लाइन उस लाइन के बाद आप एक बी पर पॉइंट बी पर आप 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमें एग्जाम्पल में उन्होंने कहा है कि कंस्ट्रक्ट द राइट एंगल ट्राएंगल विद एंगल बी इज इक्वल्स टू नाइनटी डिग्री एंड ए बज एक टू फोर सेंटीमीटर एंड बी सी इज ईक्ल्स टू थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर सो जब आपने फोर सेंटीमीटर की लाइन लगा के उस पर पॉइंट बी पर नाइन्टी डिग्री का एंगल ड्रा कर लिया तो आपने पॉइंट बी को पॉइंट बी पर कंपस रख के उसको थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर वाइड करना है और वहाँ पर एक आर्क लगानी है और उस आर्क पर नाइन्टी डिग्री पर जो आर्क लगेगी उस आर्क को पॉइंट सी का नाम दे देना दे। पॉइंट सी से आपने पॉइंट ए तक लाइन ड्रा करनी है इस तरह आपकी एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा हो जाएगी मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा स्टेट यूनिट नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफिज